योगी का शुरू हो चुका है और आपको बता दें अपने गढ़ में है सूबे के सीएम आदित्यनाथ योगी। लेकिन ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गोरखनाथ मंदिर के भीतर की तस्वीरें हैं। इंतजार इसी बात का है कि कब सूबे के सीएम यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि मठ में उन्होंने काफी काम किया है, वो सियासत का केंद्र भी रहा है, शक्ति का केंद्र भी रहा है और आस्था का केंद्र भी रहा है। इस मंदिर में आज जब वो पहुंचेंगे तो तस्वीर बहुत अलग होगी जैसी तस्वीर पहले नजर आती थी। पहले पूर्वोत्तर के द्वार से वो प्रवेश करते थे, लेकिन आज आपको बता दें वो मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे। प्रोटोकॉल को यहां पर निभाया जाएगा और यहां पर भी होगा स्वागत अभिनंदन समारोह। आपको बता दें सबसे पहले वो मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद वो गौशाला भी जाएंगे जहां पर वो गौ सेवा करते थे, यहीं पर रहा करते थे। और यहां पर जो दिनचर्या थी, रात को 11 बजे सो जाते थे, सुबह 3:30 बजे वो उठते थे और उठने के बाद ही वो काम में जुट जाते थे, वो गौ सेवा करते थे, उसके बाद फरियादी पहुंचते थे तो उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनका निदान करते थे। लेकिन आज जब वो यहां पर पहुंचेंगे तो उसको लेकर किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर की तस्वीरें, भीतर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। मंदिर प्रशासन से लेकर श्रद्धालुओं के बीच तक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जो भी यहां पर पहुंचता है उसे पेड़े और मट्ठे का प्रसाद दिया जाता है, वो भी तैयारी कर ली गई है। लेकिन सबसे ज्यादा रोचक बात यही रहेगी कि जब सूबे के सीएम यहां पर बतौर मेहमान पहुंचेंगे तो फिर किस तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी, क्योंकि जबरदस्त उत्साह यहां पर लोगों के बीच देखा जा सकता है। गोरखनाथ मंदिर में अब थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले कई बड़ी बातें उन्होंने कही जब वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में थे और वहां पर जब लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने यही कहा कि दरअसल यूपी को लेकर एक उनका मिशन है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है, कानून व्यवस्था को लागू करना है। ऐसा लगना चाहिए लोगों को कि यहां पर कानून का राज है, यानी कि जो पुरानी सरकारों पर जो भी दाग लगे हैं उन दागों को दूर करके अब एक नई तरह की व्यवस्था को लाना है। और इस बीच उन्होंने कहा कि पद की जिम्मेदारी को भी वो समझते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उत्तर प्रदेश को लेकर, उसको लेकर उनका भी एक मिशन है और उसको लागू करने के लिए वो किस तरह की नीति, नियत और तैयारी के साथ उतरे हैं उसका उन्होंने विस्तार से बखान किया। लेकिन जब मंदिर में पहुंचेंगे तो फिर क्या तस्वीर होगी ये भी हम आपको दिखाएंगे। गढ़ में है सूबे के सीएम, पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।